नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा सिंह होम फूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं केले की सब्जी, जिसे हम कम समय और आसानी से बनाकर तैयार करेंगे। केले की सब्जी आपने कई बार खाई होगी, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो यकीन मानिए सभी परिवार के सदस्य आपसे बार बार बनवा कर खाएंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिए 4 कच्चे केले। आइए जल्दी से इनके छिलके उतार लेते हैं। केला हमारा पील हो गया है, इसे हम कट कर लेते हैं। ये हमने एक बाउल लिया है, इसे हमने आधा पानी से भर लिया है। इसमें हम केले काट कर डालेंगे, जिससे हमारे केले काले नहीं पड़े। इसी प्रकार हम अपने सारे केले पील करके काट के पानी में डालेंगे। केले हमारे सारे कट चुके हैं, हमने केले का ये साइज रखा है जिससे सब्जी पकते समय हमारा केला गले नहीं और हमारी सब्जी खिली खिली रहे। साइज अगर हम इससे पतला रखेंगे तो ये सब्जी में घुल जाएगा और हमारी सब्जी खिली खिली नहीं बनेगी। फ्रेंड्स, आइए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। 2 बड़ी चम्मच मस्टर्ड ऑयल, 1 टीस्पून राई डाल देते हैं। ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन, आप इसकी जगह पर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज कर सकते हो। 1 मीडियम साइज बारीक कटी हुई प्याज, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देते हैं, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। तीखा और नमकीन आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, छलनी से छान कर बाहर कर दिया है। केलों को अपने मसाले में अच्छे से लिपटा लेते हैं। इसे हम स्लो फ्लेम पर बिना पानी डाले पकाएंगे। मसाला हमारे केलों में अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे हम 2 मिनट ढक कर रख देते हैं। अपनी सब्जी चेक कर लेते हैं। अभी इसे पकने में कसर बाकी है, इसे हम 2 मिनट और पकाएंगे। सब्जी को हमारे 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, आइए हम सब्जी चेक कर लेते हैं।
सब्जी हमारी परफेक्टली बनकर तैयार हो गई है। कितनी अच्छी खुशबू आने लगी है। देखिए कितने अच्छे से गल गई है। अब हम इसमें अपने बचे हुए मसाले ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, कुछ हरे धनिए की पत्तियां। आइए इन्हें मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारी सब्जी कितनी खिली खिली बनी है। हमारे कच्चे केले की सूखी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसे आप पूरी, पराठा और रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एक अच्छा विकल्प है। सफर में इस सब्जी को कैरी कर सकते हैं, बच्चों के स्कूल टिफिन में लगा सकते हैं। ये सबको बहुत पसंद आने वाली सब्जी है और इसके न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई होते हैं। आप इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।